इसे फ्रीज ब्रांडिंग कहा जाता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जानवरों की चमड़ी में छुआते ही ढेर सारा धुआं निकलने लगता है। वैसे तो जानवरों की ब्रांडिंग लाल गरम लोहे से होती चली आ रही है, जिसमें जानवरों को बहुत ज्यादा दर्द और जलन सहना पड़ता है। इसलिए इंसानियत दिखाते हुए अब जानवरों की लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज ब्रांडिंग की जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लगभग -200 डिग्री सेल्सियस। इससे जानवरों को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता। देखो, कई जगहों पर लोग नाव में बैठे बैठे ही मछलियों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। जू में जो हिप्पो होते हैं वो इस तरह से जू के गेट के पास आकर अपना मुंह खोलकर खड़े हो जाते हैं और फिर लोग उन्हें फ्रूट्स खिलाते हैं। डॉल्फिन्स इंसानों से इतना घुल मिल जाती है कि वो उन्हें स्टारफिश गिफ्ट में दे देती है, और इसीलिए तो डॉल्फिन्स को दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में से एक माना जाता है। देखो, रेगिस्तानी इलाकों में छिपकली की एक अनोखी प्रजाति पाई जाती है, जो वहाँ की रेत में चलती नहीं बल्कि रेत में तैरती है। इसी वजह से तो इसे सैंड फिश भी कहते हैं। दरअसल ये छिपकली रेत के अंदर रहती है, और ये छिपकली सिर्फ खाना ढूंढने के लिए ही रेत से बाहर आती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये छिपकली बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। अगर आप बोड़ी को इस तरह से रस्सी से बांधते हैं तो वो बहुत ही टाइटली बन जाएगी, जिसके बाद आप उसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हो। और वही रस्सी बांधने का ये तरीका ब्राजील में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और साथ ही ये इतनी टाइटली बन जाती है कि इसे खींचकर खोल पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसे खोलने की भी एक ट्रिक होती है।